बड़ी खबर आपको बता दें, आम चुनाव के पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की अब तैयारी में दिखाई दे रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CA लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो सकता है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जा सकता है और इसके लिए बहुत जल्द गृह मंत्रालय नियम भी तय कर देगा। तो ये अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। CA एक बार फिर से चर्चा में, लेकिन इस बार इसलिए चर्चा में कि बहुत जल्द ये अब लागू हो सकता है, इसके लिए नियम भी तमाम बनाए जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून, बहुत इसके बारे में आपने सुना है, अब ये क्या है और इसके लागू होने से बदलाव आखिर क्या हो जाएगा और सबसे ज्यादा फायदा इसका किसे मिलने वाला है, ये आपको बता देते हैं। ये जो कानून है, भारतीय नागरिकता देने का ये कानून है, कई ऐसे अल्पसंख्यक जो हमारे पड़ोसी इस्लामिक देशों के हैं उन्हें नागरिकता देने का यह कानून है। भारत के 3 पड़ोसी देशों के जो विस्थापित हैं उन्हें भारत की नागरिकता इस कानून के जरिए मिल जाएगी। 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों पर लागू होगा ये कानून और नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार भी भारत के सारे मिल जाएंगे। पहले नागरिकता, उसके बाद मौलिक अधिकार भी। 3 देशों से आए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत इसके अंदर नहीं होगी। अगर 6 साल तक आप रह रहे हैं भारत के अंदर तो फिर आपको भारतीय नागरिकता इसमें मिल सकती है। अब आप ये समझिए कि किन 3 देशों के विस्थापितों को ये कानून देगा यहां रहने की इजाजत, भारतीय नागरिकता, ये आपको बता देते हैं। हमारे 3 पड़ोसी मुल्क हैं और उन्हीं के जो नागरिक हैं उन्हें भारत में नागरिकता मिल जाएगी। अब ये तीनों जो देश हैं वो है बांग्लादेश, इधर आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों इस्लामिक देश। अब यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, इन तीनों ही देशों के जो अल्पसंख्यक हैं वो हुए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, जो इन तीनों ही देशों में अल्पसंख्यक हैं, तो वो अगर भारत में शरण लिए हुए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता इसके जरिए मिल जाएगी। और बस यही विपक्षी खेमा भी कह रहा है कि आपने इतने सारे अल्पसंख्यकों को तो इसमें शामिल कर लिया, अब इसमें मुस्लिम नाम तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये जो कानून है ये मुस्लिम विरोधी है, ऐसा कहते हुए गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अमित पांडे News18 India के इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, CA एक बार फिर से सुनाई दे रहा है, लेकिन इस बार ये कि पिछली बार तो बस बातें थी, अब लागू भी हो जाएगा, डिटेल बताइए। देखिए, बड़ी तैयारी हो चुकी है और पूरा खाका भी तैयार हो चुका है गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक। और सबसे अहम चीज़ है कि लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा और राज्यसभा का जो संसद का अंतिम सत्र है उस सत्र में इस बिल के का जो क्या खाका होगा उसको पेश करने की पूरी संभावना है। और जैसा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में CA का जिक्र करती थी तो उसमें अब जो इन बातों का जिक्र होगा जो संसद में ये कानून को लाया होगा, हमारी अब जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी बात हुई थी तो उनके मुताबिक पूरी सरकार ने तैयारी यहाँ पर कर ली है और एक खाका भी तैयार कर लिया है। अब क्या क्या इसके अंदर होगा और किस तरीके से ये बातें आगे बढ़ेंगी, जब संसद में यह बिल पेश होगा उसके बाद इस पूरी चीज़ का खुलासा होगा। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी है, पहले ही ये कहा है कि हम CA को लागू करेंगे, तो एक BJP स्टेट पहले से ही अब लागू करेगा और अब भारत सरकार भी। और ये अहम राजनीतिक जो BJP की घोषणा थी वो अब कानून के रूप में शक्ल आएगी या फिर उसकी जल्द ही घोषणा होगी। जी बिल्कुल, और जैसा आपने उत्तराखंड सरकार का जिक्र किया, अमित, धामी सरकार तो ये पहले ही कह चुकी है, चुनावों के पहले ये कह दिया गया था कि उत्तराखंड वो पहला राज्य बन सकता है जहां पर CA सबसे पहले लागू होगा। बहुत शुक्रिया अमित, लौटेंगे आगे भी आपके पास, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले CA लागू हो सकता है, ये इस वक्त की सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर। और क्या गृह मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर नियम बनाए जाते हैं और किस तरह से अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, अब बस यही देखने वाली बात बाकी बची रह जाती है। और उत्तराखंड सरकार, जैसा कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री धामी ये कह चुके थे, चुनावों के पहले भी बाकायदा जो संकल्प पत्र था BJP का उसमें ये लिखा गया था कि उत्तराखंड में CA लागू किया जाएगा।